और आप मेरे साथ देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। यूक्रेन और रशिया के बीच चल रहे संघर्ष से पूरी दुनिया इस समय वाकिफ है, लेकिन इसी बीच भाजपा की सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर का एक बयान इन दिनों सामने आया है, जहां वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ कर रही हैं और कह रही हैं कि पाकिस्तान से जो बच्चे भारत का झंडा उठाकर अपने देश वापस पहुंच चुके हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कारण ही हो पाया है। पहले आप उनको उनका पूरा बयान सुनवाते हैं। दो देशों ने युद्ध किया, यूक्रेन में युद्ध हो रहा है, आक्रमण हो रहा है, लेकिन रूस ने कह दिया और यहाँ कूटनीतिक तरीके से जिस प्रकार से बैठकें चल रही हैं, वहाँ भारत ने एक अच्छे निर्णय लेते हुए अपने देश के बच्चों के विद्यार्थियों की, मेडिकल में जो विद्यार्थी पढ़ने बाहर गए हैं उनकी रक्षा की है और रक्षा करके योजना बना करके रूस ने कह दिया कि भारत का झंडा लेकर के जो खड़ा हो जाएगा हम उसको कुछ नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो जो हमारा दुश्मन देश पाकिस्तान है उसके लोग जो वहां फंसे हुए थे उनने भी भारत का झंडा उठा लिया है। हम कहते हैं कि जब भी विकट परिस्थिति होगी, जब भी संकट आएगा, चाहे कोई भी हो, भारत की ओर ही देखेगा और भारत की तरफ रक्षा की दृष्टि से देखेगा। और भारत तो रक्षा करता है, ये हमारी सनातन संस्कृति है, हमारी सनातन परंपरा है, ये हमारा सनातन धर्म कहता है, उस पर चलने वाले हमारे माननीय मोदी जी और हमारे भारत के उत्थान के लिए, भारत के विकास के लिए, भारत को विश्वगुरु बनाने के लिए जिस प्रकार से आगे आए हैं वो आज दिखने लगा। तो देखा आपने कि किस तरह प्रज्ञा सिंह ठाकुर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफों के कलीफे पड़ रही हैं। लेकिन ये मानना भी गलत नहीं होगा कि इस वक्त बहुत सारे भारतीय यूक्रेन में फंसे हुए हैं और न जाने कैसी स्थितियों का सामना कर रहे हैं। भारत सरकार भले ही लगातार वहां से भारतीयों को निकालने की कोशिश कर रही है और काफी हद तक लोगों को वहां से निकाला भी जा चुका है, युद्ध स्तर पर यह तैयारी की जा रही है, लेकिन अगर ये कदम कुछ वक्त पहले उठा लिए गए होते, सरकार की जागरूकता कुछ वक्त पहले जागी होती तो शायद स्थिति कुछ और हो सकती थी। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज़।